bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to ninth class for lecture number four, 15 of general mathematics chapter number 2 this chapter is about zakat, share and inheritance in this video we are going to cover exercise 2.1 question number 11 is in your class but question number 10 and 12 are in your homework today our lecture is about inheritance do you have any idea about inheritance? what is inheritance?

इसके अलावा अगर उस पर साधनी पर या मरने वाले पर कोई कर्जा है किसी का तो उसे वो कर्जा उतारना उसका कर्जा उतारना भी उसकी माल जायदाद में से पहले वो उतारना तो सबसे ज़्यादा जरूरी है और अगर उसकी कोई पर्सनली उसकी कोई वसीयत है या उसकी कोई बिल उसने लिखवाई हुई है तो उसका पूरा करना भी ज़रूरी है ओके सो बेसिकली जब हम ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो वी हैव टू डि वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रेशियो ऑफ शेयर

द पर्सन हुए ही हैज़ चाइल्ड और ही हैज़ एजेंटिक ग्रैंड चाइल्ड सो इन दिस केस विडो विडो विल हैव वन बाई एट पार्ट ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी ओके दिस इज सेम एज फॉर टू और मोर वाइफ्स अगर दो या दो से ज़्यादा बीवियाँ हैं तब भी इसी रेशो से ही उनके दरम्या तकसीम की जाएगी ओके okay. अब आपके पास जो भी जायदाद जो भी आपके पास जायदाद है या जितना भी आपके पास प्रॉपर्टी है या जो भी एसेट्स मौजूद हैं उनमें से असन इनहेरिट्स ट्वाइस एज मच एज डॉटर अगर बेटी का एक हिस्सा है तो बेटे के दो हिस्से किए जाएंगे मतलब अगर एक बेटा है और एक बेटी है तो उस उस जायदाद के जो जायदाद का रिमेनिंग हिस्सा होगा वीडियो को पे करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट होगा अगर एक बेटा और एक बेटी है तो उस जायदाद के तीन हिस्से किए जाएंगे उसमें से दो हिस्से बेटे को दिए जाएंगे और एक हिस्सा बेटी के हिस्से में आएगा फोर्थ ग्रैंडसन इन्हेट टॉयस एज मच एज ग्रैंड डॉटर एंड सोहन जिस तरीके से बेटे को दो हिस्से मिले हैं बेटी की बन नस्बत इसी तरह ग्रैंडसन को भी टॉइस पार्ट मिलेगा एज कम्पेयर टू ग्रैंड डॉटर सो इफ द डॉटर्स आर टू और मोर देन टू दैन फॉर दैम टू बाई थ्री ऑफ द इन्हेरिटेंस अगर दो या दो से ज़्यादा बेटियाँ हैं तो उनके हिस्से में टोटल इन्हेरीटेंस का टू बाय थ्री पार्ट आएगा इफ देर इज सिंगल डॉटर और सिंगल ग्रैंड डॉटर हर फेयर इज फिक्सड वन हाफ़ लेकिन अगर एक बेटी या फिर एक बेटी है या एक ही ग्रैंड डॉटर मीन्स अगर एक पोती या नवास पोती है तो उसके हिस्से में भी वन uh, हाफ़ ही आएगा फिक्स रेशो लिहाज से लेकिन अगर टू डॉटर्स या मोर देन टू डॉटर्स हैं तो तब उनके हिस्से में टू बाई उनका जो शेयर निकाला जाएगा वो टू बाई थ्री पार्ट ऑफ इन्हीटेंस से कैलकुलेट किया जाएगा लास्ट इफ़ टू और मोर डॉटर्स विल टू और मोर डॉटर्स विल टोटली एक्सक्लूड एनी ग्रैंड डॉटर अगर दो या दो से ज़्यादा बेटियाँ हैं किसी इंसान की तो उस इस केस इस में उसकी जो ग्रैंड डॉटर होगी उसको किसी भी किस्म की कोई भी इनहेरिटेंस या उसको कोई भी किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉपर्टी कोई शेयर नहीं मिलेगा सो द लास्ट पॉइंट इज इफ देयर इज़ वन डॉटर एंड ग्रैंड डॉटर द डॉटरिटे इन्हेरिट्स वन बाय टू शेयर एंड द ग्रैंड डॉटर इनहेरिट्स रिमेनिंग वन बाय सिक्स दैन मेकिंग आर टोटल टू थ्री फॉर एग्जाम्पल अगर एक बेटी है और एक पोती है तो इस केस में बेटी को वन हाफ मिलेगा और ग्रैंड डॉटर को वन बाई सिक्स मिलेगा बिकॉज क्योंकि हमने टोटल टू बाई थ्री कंप्लीट करना है right? राइट टू बाई थ्री शेयर इनके हिस्से में आना तो इन्हें तो ही इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों में बेटी में और ग्रैंड डॉटर में एंड ग्रैंड डॉटर ओके सो क्वेश्चन नंबर एलेवन अस्कर लेफ्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ रुपीज़ फोर लैक एटी था एटी थाउजेंड ही लेफ्ट बिहाइंड अ विडो

वही शेयर बाकी दोनों का भी होगा इसी तरह फोर डॉटर्स के लिए अगर हम किसी एक डॉटर ईच डॉटर का शेयर कैलकुलेट करते हैं बाकी दोनों डॉटर्स का शेयर भी उतना ही होगा सो लेट्स डू द कैलकुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ट्राइड द वर्थ ऑफ़ इन्हेरिटेंस यहाँ वर्थ ऑफ इनहेरिटेंस भी लिख सकते हैं टोटल अमाउंट भी लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी या कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी लिख सकते हैं डैट इज़ फोर लेख एटी थाउजेंड सो विडो शेयर कैलकुलेट करते हैं असगर हैज चिल्ड्रन सो डेट्स वाई विडो शेयर इज वन बाई एट So widow share is one by eight multiply worth of inheritance. What is worth of inheritance? 4,80,000. So you have to simplify this by doing cutting. So finally we obtain rupees sixty thousand. That is the share of widow. Here have a cutting. Eight one the eight eight six the So वीडो शेयर इज़ सिक्सटी थाउजेंड अगर टोटल इनहेरिटेंस फोर लैख एटी थाउजेंड रुपीज़ है तो उसमें से वीडियो का शेयर सिक्सटी थाउजेंड बन जाएगा नाउ अगेन बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हम लोगों ने पिछली वीडियो में किया था जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो में रेशो चेक की थी और उस रेशो का फिर हम लोगों ने सम कैलकुलेट किया था लेकिन उससे पहले हम लोगों ने रिमेनिंग अमाउंट कैलकुलेट की थी डू यू रिमेंबर क्योंकि अब जो डॉटर्स का शेयर है या sons का शेयर है वो हम लोगों ने रिमेनिंग अमाउंट में से कैलकुलेट करना है तो रिमेनिंग अमाउंट कैलकुलेट करते हैं रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल्स टू फोर लैख एटी थाउजेंड माइनस सिक्सटी थाउजेंड फोर लैख एटी थाउजेंड में से माइनस कर दे सिक्सटी थाउज़ेंड यू अपेंट फोट फोर लैख ट्वेंटी थाउजेंड सो रेशो रेशो किस तरह है अब देर आर थ्री सन्स ही हैज थ्री सन्स मीन्स वट इज द रेशो ऑफ सन्स टू रेशो टू रेशो टू

तो हम लोग यहाँ पे हर हाँ बेटे की कैलकुलेशन नहीं करेंगे सेपरेटली हम सिर्फ एक बेटे की कैलकुलेशन करेंगे वही दोनों बाकी दोनों के लिए भी वही कैलकुलेशन वैलिड होगी क्योंकि बेटों का शेयर ही टू रेशो टू रेश मतलब तीनों के तीनों के पास टू टू पार्ट्स आ रहे हैं तो अगर एक का इस कैलकुलेट हम कर लेते हैं तो बाकी दोनों के पास भी उतनी ही अमाउंट जाएगी इस तरह फोर डॉटर्स हैं तो अगर हम एक के लिए कैलकुलेशन करेंगे बाकी तीन के लिए भी वही कैलकुलेशन होगी तो हमें बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है हम एक के लिए कैलकुलेशन कर देंगे डैट इज़ वैलिड बिकॉज ही आस्कू यू हैव टू कैलकुलेट द शेयर ऑफ़ ईच वन हमने किसी एक के लिए कैलकुलेशन करनी है सो so, हम शेयर ऑफ ईच सन कैलकुलेट करेंगे शेयर ऑफ ईच सन किस तरह कैलकुलेट करेंगे बेटे को एक बेटे के लिए अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो एक बेटे को टू पार्ट्स मिलने हैं रिमेनिंग अमाउंट के टू पार्ट्स कितने में से टेन टोटल टेन पार्ट्स हैं उनमें से टू पार्ट्स मिलेंगे टू आउट ऑफ टेन मल्टीप्लाई फोटी फोर लैक ट्वेंटी थाउजेंड मीन्स रिमेनिंग अमाउंट सो टेन पे कटिंग करेंगे टेन वन आज टेन 10 into 10, 42 times 420. Oh, sorry, 10 10 ones are 10s, 10s, 4s are 40. To carry 10 to the 20, 10 zeros are 0, 10 zeros are 0, and 10 0s are 0. Finally, you obtain mm, here you obtain 42,000. When you have to multiply 42,000 with 2, so you obtain 84,000. So, share of each son is 84,000. So, share of each. ओके सो देयर इज लिटिल बिट मिस्टेक हेयर इट इज़ नॉट सन इट इज़ एक्चुअली अ डॉटर ये डॉटर है यहाँ पर अब यहाँ पे ख़ुद से इसको राइट ठीक कर लीजिएगा डॉटर शेयर ऑफ ईच डॉटर शेयर ऑफ ईच डॉटर इज वन बाई टेन मल्टीप्लाई फोर्टी टू फोर लैक ट्वेंटी थाउजेंड सो अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे आफ्टर डूंगलीफिकेशन फाइनली यू फोर्टी टू थाउजेंड ओके अगेन लास्ट क्वेश्चन की तरह जिस तरह हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन को चेक किया था कि हमारी कैलकुलेशन ठीक तरीके से हुई है या नहीं हुई इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी कि आपने करना क्या है कि आपने अपने वीडियो के शेयर को वन टाइम्स और यहाँ पे सन का जो तो शेयर है उसको थ्री टाइम्स आपने ऐड करना है सन uh, सन के शेयर को थ्री टाइम्स और डॉटर्स के शेयर को फोर टाइम्स ऐड करना है अब सन के शेयर को थ्री टाइम्स ऐड क्यों करें बिकॉज द अस्कर हैज थ्री सन और डॉटर के शेयर को फोर टाइम्स ऐड करें बिकॉज असगर हैज़ फोर डॉटर्स सो ये कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि फाइनली हमारे पास आंसर फोर लैक एटी थाउजेंड आता है कि नहीं आता तो सबसे पहले वीडियो का शेयर राइट करते हैं डेट इज सिक्सटी थाउजेंड प्लस उसके बाद हम लोग राइट करेंगे शेयर ऑफ ईच सन मल्टीप्लाई थ्री ईच सन के शेयर को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग थ्री से बिकॉज असगर हैज़ थ्री सन्स प्लस शेयर ऑफ ईच डॉटर मल्टीप्लाई फोर बिकॉज अस्कर हैज फोर डॉटर्स सो फाइनली यू अपटेन फोर लैख एटी थाउजेंड अगेन मीन्स आपकी सारी कैल्कुलेशन बिल्कुल ठीक हुई हैं और आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ गया फोर लैख एटी थाउजेंड सो एक्सरसाइज टू पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर टेन एंड ट्वेल्व I are in your homework you should solve this question by yourself on your registers. So thank you so much. Allah hafiz.